हेलो, कैसे इंडिया जी सर? Who's this? मैं हूँ सर, वही जिसने आपके 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, ड्रग्स वाला। ए, खूबसूरत हसीना तू है। तेरा रिजेक्शन लेटर यहाँ मेरे सामने ही रखा है, मैं साइन करने ही वाला था कि बिल्डिंग ने रास्ता काट लिया। सर 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 प्लीज सर, प्लीज सर रहम करिए सर, सर प्लीज सर। ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहो पर तेरी बर्बादी पे साइन करके रहूंगा। सर प्लीज प्लीज साइन मत कीजिए सर। सर मेरे गांव वालों को मुझसे बहुत उम्मीद है सर, साइन मत कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ता हूं। साइन कर दिया। जब तक मैं डिपार्टमेंट के अंदर हूँ तू कोई ऑफिसर तो क्या, एक वॉचमैन बनने के लायक भी नहीं रहेगा। याद है ना उसी दिन कहा था मैंने? याद है। दिया जी सर। मेरी बात भी याद रख, जिस दिन मैं ऑफिसर बनूंगा ना तू डिपार्टमेंट से बाहर होगा। विंड ग्रुप ऑफ कंपनी सुन के झटका लगा। आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए सर। बाय। तिलक राज हमारी बिल्डिंग्स के बारे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। उसका सीसीटीवी फुटेज मैंने सेंड किया है। इसका इलाज करना पड़ेगा। जो भी मर्डर करते हैं उसे सुसाइड या एक्सीडेंट का रूप दे देते हैं। वहां पर बिना कोई सबूत छोड़े उनसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन लेके उनको मार देना ही हमारा काम है। हम सिर्फ प्रोफेशनल किलर्स हैं। अनीता का क्या? मैं साइन नहीं करूंगी। साइन मार।
ये बच्चा और ये घर मेरे हस्बैंड का सपना था, बस एक साइन चाहिए बच्चे के साथ जीने का आखिरी मौका। मुझे छोड़ दो, बच्चे की खातिर मुझे छोड़ दो। बोल। साइन मिल गया है। वेल डन माय बॉयज। और एक छोटी सी गलती हो गई है। क्या हुआ? सर पे चोट लगने की वजह से फांसी नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, बॉडी जंगल वाले एरिया के रेलवे ट्रैक में फेंक दो, मेरे रेंज में है, मैं संभाल लूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं देख लूंगा। ओके सर। ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो बिल्कुल अकेले रहते हों, जिनके आगे पीछे कोई पूछने वाला ना हो, उन्हें जान से मारकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते। विंड ग्रुप के रविशंकर जी हमसे ये सारे काम करवाते थे और फिर वहां पर मॉल, होटल और टावर बनवाते थे। और इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड है DIG तिलक राज। दिखने में कितना शरीफ है लेकिन काम करता है राक्षसों वाला। ऐसे आदमी का तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। हट। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जवाब दीजिए। जब तक मैं डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, तू कोई ऑफिसर तो क्या, एक वॉचमैन बनने के लायक भी नहीं रहेगा। जिस दिन मैं ऑफिसर बनूंगा ना, तू डिपार्टमेंट से बाहर होगा। पुलिस ने राज्य में होने वाली जिन मौतों को सुसाइड केस और एक्सीडेंट केस बताकर उनकी फाइल क्लोज कर दी थी, आज उनका सच सामने आ गया है। पता चला है कि इन सब का DIG तिलकराज के कहने पर मर्डर किया गया था। पुलिस ने DIG तिलकराज और उनके सभी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी पुलिस फोर्स पब्लिक पे होने वाले किसी भी तरह के जुल्म और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। क्राइम करने वाला कोई भी हो, पुलिस का अधिकारी क्यों ना हो, उसे ना तो पुलिस बख्शेगी और ना ही कानून बख्शेगा, जिससे लोगों का विश्वास बना रहे। और ये बात प्रूव हो गई है। एंड यस, इस केस को सिर्फ एक अकेले इंसान ने अपनी सूझबूझ से सॉल्व किया है, हमारे शहर के मिस्टर तन्मय ठाकुर, जो बहुत जल्द पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू एवरीवन। सर, एक्सक्यूज मी सर। यस। क्या मिस्टर तन्मय इस केस के बारे में कुछ बता सकते हैं? श्योर श्योर। तन्मय बेटा, सब ठीक हो गया? बिंदास बोलो। सभी को मेरा प्रणाम। बिना पुलिस की वर्दी के आपने सीनियर पुलिस वाले का पर्दाफाश कैसे किया? किसी जुर्म को रोकना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है, एक सच्चे नागरिक के तौर पे हमें भी कुछ करना चाहिए। पुलिस ही हमें बचा सकती है, ये सोचना गलत है। शक्तिमान बनो, हिम्मत जगाओ, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा।
क्योंकि तुम मेरे वंशज हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नैवेद्य समर्पयामि, स्वीकार कीजिए इसे।